और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। देखिए देश भर में लोकसभा चुनाव चल रही है और इस समय कोई भी गलत बयान किसी भी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बीते दिनों विरासत टैक्स को लेकर जो कहा था उससे कांग्रेस को काफी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। अब एक बार फिर सैम पित्रोदा ने विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा डाला है। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर कहा कि भारत में पूर्व के लोग चाइनीज तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे रखते हैं, इसके बावजूद हम सब एक है। पित्रोदा के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो एक बार फिर से कांग्रेस के लिए समस्या बने हैं। देखिए कांग्रेस के नेता हैं सैम पित्रोदा जिन्होंने विवादित बयान दिया है। बयान क्या दिया है वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में पूर्व के लोग चाइनीज तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं, इसके बावजूद हम सब एक है। पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल बनता हुआ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बयान के बाद कांग्रेस पर हमलावर है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, पित्रोदा ने विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया। दरअसल सैम पित्रोदा ने भारत की विविधता को लेकर कहा कि भारत में पूर्व के लोग चाइनीज तो दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे लगते हैं। भारत की विविधता पर वो बात कर रहे थे और इस दौरान ये बयान उन्होंने दिया। और देखिए सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मैं बहुत गुस्से में हूं, वे लोग देशवासियों का अपमान कर रही हैं। अमेरिका में शहजादे के एक अंकल रहते हैं, शहजादे कंफ्यूजन होने पर अंकल से सलाह लेते हैं, शहजादे इन्हीं थर्ड अंपायर से सलाह लेते हैं, ये अंकल ही शहजादे के असल में गाइड है। शहजादे के अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। अंकल ने बताया कि काली चमड़ी वाले भारतीय लोग अफ्रीकी हैं, इन्होंने काली चमड़ी के आधार पर गाली दे दी है। ये लोग इसलिए द्रौपदी मुर्मू को हराना चाहते थे। हमारी चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम कृष्ण के पुजारी हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुस्से में नजर आए और उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो भी जरा आप सुन लीजिए। कोई मुझे बताइए क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय हो जी? क्या चमड़ी के रंग का खेल? शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं? चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। वहीं बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार किया। सैम पित्रोदा का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। पित्रोदा का यह बयान अवमानना है, भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाया, इनकी आंखों पर विदेशी सोच का पर्दा है। सैम पित्रोदा विदेशी पर्दा हटाए और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। सैम पित्रोदा साहब ने भारत, भारतीय संस्कृति, भारत की पहचान और भारतीय लोगों की पहचान के बारे में बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। अब ऐसा लग रहा है कि यह विषय कांग्रेस पार्टी जिस सीमा तक जा रही है, यह विषय चुनाव का नहीं रह गया है, यह विषय राजनीति का नहीं हो गया है, यह विषय भारत के अस्तित्व का हो गया है। क्योंकि अब भारत के अस्तित्व पर सीधा सवाल उठाया जा रहा है कि भारत के पूरे अस्तित्व पर सवाल। मुझे समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं उत्तर भारत वाले व्हाइट हैं, ये पश्चिम भारत वाले अरब हैं, तो पूरब भारत वाले चाइनीज हैं, तो दक्षिण भारत वाले अफ्रीकी हैं। मेरे भाई मैं पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस का नेतृत्व तो फॉरेन ओरिजिन का क्या हो गया? आप सारे भारतीयों का ओरिजिन फॉरेन में ढूंढने लगे?